Oh, wait.
ఇల్లు పెరాట
7वें महीने में 2018 को उसको भी दिए, पुलिस को भी का लेटर, ये पैसे भी जो है ना नहीं देना उसको, ये गुरुओं को काफी भी दिए है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए और जो है ना चीफ सिटी प्लानर को भी दिए, ये सबको गए काफिया है, पूरे ऑफिसरों को काफिया दिए। उसके बाद में ये जो है ना सत्तार जो बोलने वाला है कमीनी चीज है एकदम, हाँ ACP कोई भी होगा मतलब, मगर जी एजेंसी का है होगा, उसको मालूम है ये वफ की है बोल के, हमारे पास गजट है, मुंतखब है, वो वफ प्रॉपर्टी है वो, और वो मस्जिद है ऑलरेडी, हो मस्जिद है, आशुरखाना है उसके अंदर। सुने अब उसको क्या करे ये लोग, अचानक नहीं मालूम हमारा वैसा जो ना रात रात इससे पहले ये करते, हम लोग इमीडिएट एक्शन में आ गए थे, अब हमको मालूम नहीं भाई बम्बई में था कलिया आपकी, मगर वहाँ से जैसा फोन आ मेरे को पब्लिक के आ रहे थे तो मैं इमीडिएट यहाँ पर अलर्ट कर दिया था भाई। तो अब यहाँ से भी कुछ लोग आए, वो हमारे जलील को इंस्पेक्टर को कोई मारे थे, अटैक हुआ था, उन्हें भी नहीं कर, इतफाक से कुछ स्टाफ भी आया, कुछ नहीं आया, उसमें जो है ये लोग आप ये करें, तो हम क्या करें, इमीडिएट GHMC कमिश्नर को बात करा भाई, और जो है ना कमिश्नर पुलिस को भी बात करे, टोला बोले सब ठीक है, जो भी अपन कर लेंगे, पाशा खादरी से भी बात, पाशा खादरी भी बोले नहीं सर इमीडिएट यहाँ से टीम भी जाओ। अब ये लोग वहाँ जाके क्या करते, खाली ठहर के आ जाते हैं, अपने को वहाँ पर काम होना है, ये काम ये है, ठहरो भाई, अपने को वहाँ पर काम होने का है, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, सेकुलर गवर्नमेंट है, दूसरे स्टेटों की ऐसी कम्युनल गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट को डार्क में रख के जो है ना काम वास है। KCR साहब को अभी मैं CM पेशी में बात करके आ रहा हूँ मैं अभी, तो उसको सीरियसली कैसा भी जहाँ मस्जिद है मस्जिद होना है, जहाँ शुरखाना जैसा है वैसा होने का है, उसमें कंप्रोमाइज कुछ भी नहीं है, वो तो बनेगा बनेगा, दूसरी चीज जो है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना है, जो पैसे लिया वाले पे, जो पैसे लिया उसको रिमांड भी करना है सब। मैं अभी DCP साहब को भी बात करा, इस दोनों भी ये सब बात करके आ रहा हूँ मैं अभी, फिर और एक बार भी बात करेंगे, रिप्रेजेंट भी देंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये कमिश्नर बलदिया से भी मैं दाना किशोर से बात करा मैं, उसको सस्पेंड करना, उसको पहले किसको, सत्तार साहब को, और सस्पेंड करके उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना, उसको अरेस्ट करना उसको, दूसरी बात ही नहीं, हमारी दो मांगे बस खाली, वफ प्रॉपर्टी, एक मिनट, वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, कयामत तक वफ रहती, और हमारे CM साहब भी एक ऐसे शख्सियत है कि उनको हिंदू मुस्लिम कल्चर हर चीज से वाकई बख्शियत है, उन्होंने ये चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होते, उन्होंने उल्टा जो 70 साल से 400 साल से मस्जिदा जो बंद थे इन गवाह है, इन्हों 4 मस्जिदा हम लोग खुलाए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 400 साल से बंद थे, ना कांग्रेस के गवर्नमेंट में हुआ ना किसकी गवर्नमेंट में हुआ, सुने वहाँ हाईटेक करने की आलमगीर की मस्जिद को ये करे, हम लोग गोलकुंडा किले के मस्जिद को ये करे हम लोग, और वो छोटूपल के आगे जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट से खोलते गए हम लोग ये, तो हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट ऐसी है कि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, और ये जो हुआ इसके ऊपर हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे, एक्शन भी ऐसा लेंगे उसके ऊपर भी क्रिमिनल केस बुक होना, और जो GHMC का जो सत्तार साहब है उसके ऊपर भी जो ना क्रिमिनल केस बुक हो गया, उसको अरेस्ट करा उसको भी इसको भी, और जो पैसे जो लिए उसको रिटर्न करना है, और वहाँ मस्जिद जाती मस्जिद बनना है, और जो है आशुरखाना जो था आशुरखाना बनना है, चला हमारी दो ही मांगे। पॉलिटिक्स खेलना नहीं है, हाँ बोलो, खैरो भाई मैं भी एक मुसलमान हूँ, सब मुसलमान है, हिंदू मुस्लिम आजकल सब भाई भाई है, सब कोई भी किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने वाले नहीं है आज की गवर्नमेंट में, ये हमारी गवर्नमेंट इंडिया में वाहिद गवर्नमेंट है KCR साहब की, यहाँ पर जो है ना पीसफुल रहना बोल के सबको, और अपने को पीसफुल रहना है,
ये दो बदमाशों की वजह से काम हुआ सर, वो भी दो बदमाशों को ले मुसलमान ही है वो। सुने यार, एक तो कब्जा करासो वाला भी नहीं है और सत्तार साहब जीएचएमसी का है उन्हें, समझे आप, कोई बाहर वाले नहीं करे, कमिश्नर की नॉलेज में नहीं रहता, बाद में थोड़े बहुत मालूम हुआ उसको, तो उन्हें भी सीरियस हो गए, दाना किशोर साहब भी, गवर्नमेंट भी सीरियस है इसके ऊपर, उन लोगों को सस्पेंड करके छोड़ते नहीं कैसा भी, समझे आप, और इन लोगों पे क्रिमिनल केस यहाँ भी बुक होना सर, हम लोग एक लेटर देंगे हमारे लेटर हेड पे, उसके ऊपर यहाँ पर भी अरेस्ट करके, एक यहाँ भी केस बुक होना, वहाँ भी केस बुक होना, क्योंकि मस्जिद को नहीं तोड़ सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे आप, हर एक का मजहब अपने साथ है, उसको ठेस नहीं पहुँचा सकते। समी भाई बात करो उसके बाद, बात करो फोन, बोलो बैठो, बैठो बाल साहब, यहाँ वकोट में वो धरना था तो आया था यहाँ पर, वही वो सारा साहब के डीलर का नाम रखो, थोड़ी देर में कर पाऊंगा, बैठो बैठो साहब। ये परसों आप रात में 12 बजे फोन करा था, 12:30 बजे उठाया फोन में, आप उठाए उठाए और एक एक बात क्या है, मजलिस हो या कांग्रेस हो, या एक मिनट सुनो जी, टीआरएस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, कुछ भी हो, जहाँ मंदिर का मैटर है या मस्जिद का है तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं खेलना कोई भी, वहाँ खाली काम होना है, वहाँ बस अपने को पार्टी वाइज नहीं जाना है, काम करना है, वहाँ अपनी चीज अपने को हासिल होना है, खलास, और दूसरी चीज जो करा उसको पनिशमेंट तो देना ही देना है, उसको छोड़ना नहीं है उसको कैसा भी। एक मिनट है, हमारा भी कोई मुतालबा सुनिए, सवाल आप हमारा कासिम साहब डीसीपी ईस्ट जोन साहब क्या बोले, आपका जो है एक जो मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी बिल्कुल जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वजह से शाहनवाज कासिम साहब आप फोन पे बोले लेटर भिजा दिए, वो प्रोटेक्शन दो बोलते प्रॉपर्टी है, एक मिनट आवाज कोई नहीं करेंगे, अगर ठहरो भाई बात करने दो, एक मिनट बात करेंगे, दोनों बात करेंगे, नमाज पढ़ने जी वक्फ वाले नहीं आए तो भी नमाज क्या है, परसों रात से बोलिए जी, बोलिए आप है ना, आप यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही, कोई एमएलए नहीं, कोई टीआरएस नहीं है साहब, आप जो भी बात कर रहे ना, 1-2-1-2 ऐसा नको कर रहे हो आप, ये तो गजब का आप देखते रहो, आप क्या बोल रहे हैं, आपकी गैर मौजूदगी में अभी भी, आपकी गैर मौजूदगी में कल आप कई मरतबे फोन कर रहे हो, कई मरतबे फोन कर रहे हो, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरा राम नंबर बोले आप, क्यों बोल रहे भाई, आप जिम्मेदार है, ईमानदार है, और वक्त की इजाजत आपकी नहीं है, अल्लाह की इजाजत है, अरे सर बोलो, सुने लो, बोले लो साहब, बोले उस्मान साहब ये ना माशाल्लाह कई मसाजिद आबाद करे और उनको इल्म आए, उनको भी उनको भी कोई गलत बात नहीं कर रहा, मोहसिन है मेरा नाम, मोहसिन साहब एक मिनट कावल बैठिए, गजीद है वक्फ की नहीं है, कोई बोला मैं बोला आपने बोले साहब, आपने बोले, एक मिनट ठहरिए, अब वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वक्फ रहती, कोई भी आके टेम्पररी खुश हो जाना, मेरे बयान भी वही रहते हैं हमेशा, मैं हमेशा आपके, हाँ मरे तक वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती, आप रहो या मैं रहो, नको रहो, वफ प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज नहीं कर सकते, सेंट्रल एक्ट है ये, समझे आप, और जो भी करा उसको पनिशमेंट देना ही देना है, उसको क्रिमिनल केस बुक करना है, उसको जेल को भेजा था, हम भी नहीं छोड़ते, समझे आप, और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला देखिए आप, और भी जाना है बराबर, हम लोग प्रेजेंट क्या करना है साहब, करना क्या, तुम नको करो, आ जाओ प्रेजेंट के,
परसेंट की बात होना है वहां से आया वहां से आया पूरे पूरे बाहर आया भाग रहा था नमस्कार भाग के नहीं तेरे मुंह से बड़ा बैठ के बात करो बैठ पूरे वहां से आया साहब आप वहां से सुनिए वहां पे कोई पूरी इमामी अपने पूरे ईमान वाले और ईमानी जज्बा रख के पूरे आए हैं कोई आप पॉलिटिक्स नहीं कल जो है धूप है वकील जोर में हम लोग डेरा आए थे सरकार साहब हमको प्रेशर करके डेरा निकाल दिए लाइट लगाई थी लाइट निकाल दिए हमारे को मलबा साफ करना है नमाजा तो स्टार्ट हो चुका है अलहमदुल्ला कल जोर से नमाज पढ़ रहे हम जोर पड़े असर पड़े आप सिर्फ सरकार साहब को फोन करके बोल दीजिए पूरे बच्चे आप सरकार साहब को बोल दीजिए भाई प्रिंसिपल करवाया साफ सफाई करते नमाज तो कहते हम शुरू कर दीजिए और जो भी फैसला जब फाइनल में आएगा कच्ची नमाजा पढ़ेंगे हम जब परमिशन देंगे पक्की मस्जिद बना लेंगे जब थोड़ी देर पहले भी है ना वहाँ पे बच्चे नमाज चंद बच्चे आगे शरार करने की वजह से उन्होंने रोके थे उसके बाद नमाज हम पढ़ के भी अब आए हम वहाँ पे नमाज जारी है सिर्फ यहाँ पे यही बात क्लियर होने का साहब शाह नवाज कासिम साहब जो शाहनवाज कासिम साहब के ऊपर एलिगेशन लग रहा शाहनवाज कासिम साहब से हम बात करें वो जो 2-2-462 हाउस नंबर है ये बंदा 2-2-492 पे पैसे उठाए यहाँ पे लाजी गया 2-2-492 पे पैसे उठाया ये 2-2-462-467 तक पांच मलगियाँ वक्फ जायदाद ये पांच मलगियाँ पांच अलग अलग हाउस नंबर है ये अपनी प्रॉपर्टी है मस्जिद की प्रॉपर्टी है उसके किराएदार भी तो आपका रिकॉर्ड नहीं कर आपका मालूम बन गया अरे वो कल भी आए उन्होंने ये 88 में जो डिमोलिश हुआ आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।